बताया है। मृतकों के आश्रितों को मुआवजे का ऐलान, आश्रितों को 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, घायलों को 50,000 का मुआवजा मिलेगा। पीएम राहत कोष से मुआवजे का ऐलान कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो देखिए, एक साथ 18 से ज्यादा लोगों की मौत जो है अपने आप में बेहद दुखद है। इस पर यूपी के योगी आदित्यनाथ ने भी, यूपी के मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया और इस मामले पर तुरंत संज्ञान लिया। और इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है इस घटना पर और प्रधानमंत्री ने मृतकों के आश्रितों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। आश्रितों को 2 लाख का मुआवजा मिलेगा, तो वहीं जो घायल हैं, घायलों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। पीएम राहत कोष से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। उन्नाव हादसे में बिहार के 7 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मरने वालों में 5 लोग जो है मोतिहारी के निवासी हैं, फिनहारा के वार्ड नंबर 11 के सभी लोग थे। आपको बता दें, एक ही परिवार के रहने वाले थे पांचों, बस से दिल्ली की ओर जा रहे थे ये सभी लोग। 5 लोग एक ही परिवार के, जिनकी इस बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ये बेहद दुखद खबर है। आज सुबह ही ये बस दुर्घटना जिसमें कई लोगों की मौत की खबर है। बस हादसे में पूर्वी चंपारण के 6 लोगों की मौत हुई है और फिनहारा प्रखंड के वार्ड 11 के एक ही परिवार के 6 लोगों की दुखद मौत हुई है। देखिए, हम उनके घर पे आए हैं, चारों तरफ तमाम लोग हैं वो रो रहे हैं, जो परिवार के लोग हैं वो रो रहे हैं, क्योंकि एक ही परिवार के 6 लोग जो है वो उनकी मौत हो गई है। ये दुखद घटना घटी है। सभी लोग दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली देखिए, माँ उनकी है, वो भी रो रही है। चाची कहाँ जा रहलन है, अपने के घर के लोग कहाँ गिर रहे हैं? जा रहा था कमाने, काम करने। अकाल गया था, 11 बजे से निकला, 5 बजे सुबह हमारे पास फोन आया, ऐसे बस पलट गया, पोता करा है फोन। कितना लोग मर गया है कि सभी एक ही परिवार के लोग? अब पता ना बाबू, हमारे परिवार ही कहा रे, तू झूठ बोला ही बारे। हाँ, उनका परिवार, उनका परिवार का है, परिवार के लोग। कितने लोग मर गए? 6 आदमी, 2 बेटा है, 2 बहू है। इनका पोता उन्हीं से फोन किया था सुबह, कैसे पता चला आपको? वहाँ से हमारा भतीजा फोन किया है कि बस का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसमें दिलशाद साहिल तक घायल है, दिलशाद साहिल घायल है, दिलशाद साहिल के पता है, इलियास, सोनी, रूबी के, सोयल के, जा रहा था, सब मेरठ जा रहे थे दिल्ली कमाने के लिए। जी, तो लोग वही काम करते, जी वही काम, वही पे काम करते, वही पे रहते थे, अभी कुर्बानी पे रहते थे, घर काम कर रहे हैं। बकरीद में लोग आया था घर? हाँ, बकरीद में आया था घर बनाने के लिए, कैसे घर बन रहा है? देखिए, ये घर, नया घर जो है वो बना रहे थे और मेरठ में काम करते थे, मेरठ में नौकरी की तलाश में ये लोग जाते थे और बकरीद के पर्व में ये लोग पर्व मनाने आए थे। लेकिन इस दुखद घटना में 6 लोगों की मौत हुई है, ये बड़ा दुखदाई है। खासतौर पर जो घायल हैं उनका भी इलाज जरूर किया जा रहा है, लेकिन चारों तरफ तमाम लोग रो रहे हैं जो है, क्योंकि बड़ा दुखद घटना घटा है और 6 लोगों की, एक ही परिवार की मौत हुई है। उनीश कुमार, न्यूज 18, पूर्वी चंपारण।